एक काम करो ना, तुम पानी पी लेना, मैं मलाई खा लूंगा। जस्ट आप ये देख सकते हो, ये मैसूर पैलेस का एंट्रेंस गेट है यहाँ से। तो फिलहाल हमने अंदर पुजारी जो है उनसे पूछा था कि ऐसे ऐसे करके हमें रुकना है यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि कैंपिंग तो आप नहीं कर पाओगे, जो है सिस्टम एंटर दिया जाएगा। दोनों भाइयों ने इधर बिछा लिया, फिर मैट्रेस ये इधर है, एक ये इधर है, उसके बाद में ये माता जी का मंदिर है कुछ इस तरह से। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी व्लॉग। फिर से एक नए सफर में, नए दिन में आप सभी भाइयों का स्वागत है और बहनों का भी स्वागत है। भाई आज के बाद में जो है भाई और बहनों दोनों का स्वागत करूंगा, नहीं तो काफ़ी सारे मेरे को बोलते हैं, बोला सिर्फ तो भाइयों के लिए बोलता है, आज से बहनों के लिए ही बोला कर। मैं कहा ठीक है जी, सभी भाई और बहनों का मेरे व्लॉग में स्वागत है। और अभी फिलहाल भाई सुबह के बज चुके हैं 8:30, 9 कितने हो टाइम लेंगे? 10 बजने वाले भाई। सुबह के अभी जो है 10 बज चुके हैं और धूप बिल्कुल एकदम कैंप के ऊपर आ चुकी है। अभी हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो मस्त थोड़ा लेट तक सो लिए, बहुत भयंकर नींद आई है। और अभी फिलहाल सुबह के टाइम में मैं बना रहा हूँ अपना ब्रेकफास्ट, जो कि अपना होने वाला है चने का। तो चने अभी यहाँ पे उबलने के लिए रख दिए, थोड़ी सी यहाँ पे वेजिटेबल वगैरह भी काट ली हमने, जैसे प्याज है, टमाटर है, और ये अपना मिर्च काट लिए हैं। और कुछ इस तरह का भाई एक खुला मैदान है जहाँ पर हम लोगों ने कैंपिंग लगाई थी। यहाँ पर अपना जो है साइकिल है, उधर ही बाइक खड़ी हुई है। और भाई फिलहाल अभी जो है जल्दी से ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं, देर उसके बाद में खा पी के मस्त अपने नए सफ़र के लिए निकलते हैं। आज ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो 100 किलोमीटर का सफ़र दोबारा से तय करना है अपने को। सो फिलहाल अभी अपना आई की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, अभी सुबह के बज चुके हैं 11 और भाई काफ़ी लेट भी हो चुके हैं हम लोग, काफ़ी धूप भी पड़नी स्टार्ट हो गई है, लेकिन क्या करें, काफ़ी ज़्यादा थक भी जाते हैं तो रेस्ट करना भी ज़रूरी है अपना। फिर सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह ही बनाया, चने वने बना के मस्त खा पी के हम निकले हैं। एक काम करो ना, तुम पानी पी लेना, मैं मलाई खा लूँगा। दे दो। तो भाई अभी फिलहाल नारियल पानी पीने के लिए रुके हुए हैं, एक छोटा सा ब्रेक लिया है, मैं तो पहले आ गया था, मैंने तो पी लिया। अभी आए अपने कंचन भाई पीछे से, और कंचन भाई का हो गया बुरा हाल। भाई कैडी धूप पड़ रही है यार, यहाँ पे बहुत भयंकर है ना, ये देखो भाई धूप कितनी है यहाँ पे। तो ये भाई अपना नारियल काट रहा है, मस्त नारियल है यहाँ पे, 40 रुपये का एक। अपने बुलंदशहर में किसी भाई ने बताया था 70-80 रुपये का है, यहाँ पे है पानी नहीं निकला इसके अंदर भी, नो पानी। अच्छा, ये खाली होते हैं क्या ये? ओ देखो भाई ये तो खाली निकला, ये पहले मेरे लिए खोला था तो ये खाली निकला था, तुम्हारे लिए खोला तो ये वाला खाली निकला। ऑल ओवर इंडिया, ही इज फ्रॉम उत्तराखंड, केदारनाथ। ओके, ही इज ट्रैवलिंग बाय ऑल ओवर इंडिया, नाउ डन कन्याकुमारी, नाउ वी आर 87 डे। वेरी नाइस, सो वेयर आर यू फ्रॉम? यूएस। यूएस, दिस टाइम वेयर आर यू कमिंग एंड वेयर आर यू गोइंग? आई स्टार्टेड इन मुंबई। ओके, मुंबई, एंड आई एम हेडेड डाउन टू श्रीलंका, देन आई एम गोना गो अप नॉर्थ आफ्टर दैट। ओके, नाइस। व्हाट टाउन इज योर टाउन? Town? Yeah, are you from a city? City, Dehradun. Do you know Dehradun? Uttarakhand. 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 Himalaya. In Himalayas, okay. Is it west or east of Nepal? Near to Himachal Pradesh, Kashmir. Northern part of India. So it's northwest. Okay. North. Northwest. Ah, very nice. Well, I hope to be traveling up there sometime this, towards the summer. We'll see.
So this time you are going to Kanyakumari then Sri Lanka? Yes. Sri Lanka? Yeah. You are solo? Yep. Yep. Traveling by myself. And you are traveling by yourself? Yeah, my on myself. Oh, okay. Now, how did you meet this gentleman? We met in last in Kanyakumari. And so he's traveling on a motorcycle and you're traveling on a bike together? Yes, yes, together. So finally भाई अभी हम लोग जो है मैसूर आ चुके हैं और मैसूर में आने के बाद में एक अद्भुत जो जगह है यहाँ की जो सबसे ज़्यादा फेमस है मैसूर पैलेस, अभी हम उसके सामने खड़े हुए हैं। जस्ट आप ये देख सकते हो ये मैसूर पैलेस का एंट्रेंस गेट है यहाँ से। तो अभी फिलहाल अभी हम लोग टिकट लेंगे देन उसके बाद में अंदर जाके देखते हैं कैसे और क्या है। तो भाई और बहनों बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, मतलब ये फ़ोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं था अंदर। बाकी इस वजह से फिर हम लोग भी नहीं गए, हम लोग बस थोड़ा बाहर ही बैठे रहे, थोड़ा रेस्ट करते रहे। उसके बाद में बाहर से कुछ सिनेमेटिक वगैरह कुछ टाइमलेस वगैरह ले लिए मैंने, तो उनको आप इन्जॉय कर लेना। और जब अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो फिर जाके करते क्या, वो तो मैं यूट्यूब पर कहीं ना कहीं से निकाल के वैसे भी देख लेंगे। वो ये महाराजा वगैरह की तलवार वगैरह ये सब कुछ रखी होंगी। बाकी अभी मैं आपको चेक कराता हूँ, ये देखो महालक्ष्मी टेम्पल है भाई, क्या अल्टीमेट है भाई, ये देख रहे हो सुपर, ठीक है ना। देन इसके बाद में कुछ यहाँ का व्यू है, ये आप दोबारा से चेक कर लो। और ये यहाँ से आउट गेट है जाने का, और यहाँ का जो टिकट है वो आपको 100 रुपये का पड़ेगा पर पर्सन। और अगर आप आना चाहते हो कभी भी तो मैसूर आ सकते हो, कर्नाटका में बहुत अच्छी जगह विजिट करने के लिए। सो फिलहाल भाई अभी हमारा रुकने का जुगाड़ हो चुका है। हिंदुस्तान की कोई सी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर अपना कैंपिंग ना की हो, बट आज जो है हम कैंपिंग नहीं करेंगे क्योंकि अभी जो है हम मैसूर जो पहले से जस्ट उसके बाहर बैठे हुए हैं। और जस्ट जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये माताजी का टेम्पल है, ये मैसूर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जैसे अगर किसी भी बच्चे को या किसी को भी चिकन पॉक्स वगैरह होते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आते हैं अपना, मतलब कि प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये सही हो जाए, तो एक दो दिन के अंदर बिल्कुल वो सही हो जाते हैं। यहाँ पे गोला जो नारियल होता है ना, नारियल चढ़ा के जाते हैं लोग यहाँ पे। तो फिलहाल हमने अंदर पुजारी जो है उनसे पूछा था कि ऐसे ऐसे करके हमें रुकना है यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि कैंपिंग तो आप नहीं कर पाओगे लेकिन आप जो है मंदिर के अंदर ऐसे ही आप सो सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अभी फिलहाल आप लोग अपना खाना पीना खा के आ जाओ, कौन से मैंने खाना तो हम नहीं खा के आ रहे हैं, हम अपने आप बनाएंगे। सुबह मैंने दाल फुला दी थी, देन इसके बाद में अभी बना रहे हैं दाल चावल। कल के दाल चावल भाई माइंड ब्लोइंग थे। और अभी देखो फिलहाल दोबारा से जो है दाल चावल बना रहे हैं। अभी मैंने इसको उबालने के लिए रख दिया है, इसमें हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। बाकी पानी पीने की अपने सारी सुविधा हो चुकी है, जस्ट देखो मंदिर है ना वहीं पर पानी वगैरह सब कुछ है अपने पास में। और सबसे मेन अपना चार्जिंग के लिए अपने को सॉकेट मिल चुका है, तो अपने पावर बैंक और फ़ोन वगैरह सब कुछ मस्त करके चार्ज हो जाएंगे। अभी फिलहाल खाना पीना बनाते हैं देन उसके बाद में खाएंगे पिएंगे। फिलहाल अभी अपना खाना बनाने की प्रक्रिया चालू हो गई है, मस्त जो है सिस्टम एंकर दिया जाएगा। कहाँ पर? मैसूर में, मैसूर फोर्ट के जस्ट बाहर बैठ कर खाना बना रहे हैं भाई। जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। मस्त जो है अपना दाल चावल बनाए जाएंगे बढ़िया करके, एकदम लपा लॉफ करके, ठीक है। ओके खाना बना लें पहले, फिर बाद में बात करेंगे। सो फाइनली भाई अपने जो है दाल चावल बन के रेडी हो गए हैं, कुछ इस तरह से लग रहे हैं देखो, तो मस्त खा रहे हैं अपना, बहुत बढ़िया बन रहे हैं। दाल तो भाई कसम से कल भी अच्छी बनी थी और आज भी अच्छी बनी है, ये सारा का सारा कमाल है मेरे इन हाथों का। क्योंकि भाई घाट घाट का पानी पी रहे हैं, अभी मैसूर के बगैर जो किला है यहाँ का जस्ट उसके बाहर बैठ के खा रहे हैं भाई। अब देखिए देख लो बाउंड्री है भाई यहाँ से ये रही, और यहीं बैठ के तुम्हारा भाई जो है सिस्टम हैंग कर रहा है। यूपी वाले हैं भाई, खतरनाक सिस्टम है, समझ रहे हो। ओके खाते हैं, जय श्री राम। तो भाई अभी खाना खा पी के अपना सोने की व्यवस्था हो चुकी है बढ़िया करके, अभी मंदिर भी बंद हो चुका है 9 बजे और सुबह खुलेगा 6 बजे। तो भाई अभी फिलहाल सोते हैं बड़ा आराम से मस्त करके, कहाँ पर? मैसूर फोर्ट के जस्ट पास में। और बाकी फिलहाल देखो अपना कंचन भाई इधर है, दोनों भाइयों ने इधर बिछा लिए अपने मैट्रेस, ये इधर है एक, ये इधर है।
उसके बाद में ये माता जी का मंदिर है कुछ इस तरह से, और पूरा सामने का गेट जो है सब कुछ लॉक हो चुके हैं। बाइक और अपनी साइकिल यहाँ पे खड़ी कर ली है हम लोगों ने, देन इसके बाद में मस्त अपना करके सो जाएंगे। कैंपिंग टेंट के लिए उन्होंने मना किया था कि कैंपिंग टेंट मत लगाना, थोड़ा मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्शन करते हैं कि कैंपिंग वगैरह नहीं ना, तो इस वजह से खाली हम लोग मैट्रेस बिछा के अपना मस्त से यहाँ पे सो जाएंगे अपना। बहुत बढ़िया सफ़र रहा आज का अपना, सोते हैं अभी, काफ़ी ज़्यादा थक भी रहे हैं। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।